हिंदी भाषा का परिचय है। आपको बता संस्कृत से हुआ है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भारत में तीन रूपों में प्रचलित है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। इसलिए हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में ज्यादा मान्यता मिली है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारत के कुछ ऐसे प्रदेश है, 10 राज्य है जिनमें हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में माना जाता है। उन प्रदेशों को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इन 10 प्रदेशों को हिंदी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत में अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली वो है हिंदी। हिंदी भारत में नंबर 1 पर बोली जाती है। यह 43.63% लोगों द्वारा हिंदी को बोला जाता है। हिंदी भारत में ही नहीं विदेशों में भी 3रे नंबर पर बोली जाती है। विदेशों में मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, नेपाल आदि देशों में हिंदी का बहुत ज्यादा बोलबाला है। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में तो हिंदी के शिक्षण संस्थान, स्कूल और कॉलेज भी चल रहे हैं। हिंदी को बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसी के साथ आप 5 वाक्य बोलेंगे और हेलो, हेलो, नमस्ते, नमस्ते, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम।